अस्सलाम वालेकुम। इसी इंडिकेटर के आपको कैलिब्रेशन बताएंगे। सबसे पहले मीटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब 00 आ जाएगा तो आपने इसका कोड मिलाना है 3658 3658 टेयर एक टेयर। अब आपने इसके ऊपर वेट रखना है 20 kg। वेट आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट वेट से ही आपका बिल्कुल परफेक्ट वेट सेट होगा। अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो बिल्कुल वेट सेट सही से नहीं हो सकेगा। आपने बिल्कुल परफेक्ट वेट लेना है। और इसके बाद वेट रखने के बाद आपने टेयर का बटन दबाना है। इसके ऊपर टेयर का बटन हमने प्रेस कर देना है एक दफ़ा, और जो वज़न रखा है हमने वो लिखना है। 2 के साथ 3 0 लगाना है, यानी 20.2 डेसिमल पॉइंट, और टेयर का बटन हमने दबा देना है। यहाँ पे हमने 20 kg लिखना है, 20.2 डेसिमल पॉइंट और टेयर का बटन दबा देना है। और 3 के साथ 4 0 लगाने हैं, यानी 300.2 डेसिमल पॉइंट ये कैपेसिटी हो गई हमारी, और टेयर का बटन दबा देना है हमने। फिर 3 की बजाय 2 डेसिमल हमने पॉइंट रखे थे और टेयर का बटन दबा देना है। फिर हमने यहाँ पे 20 ग्राम रखना है, 20 का 2 लिख के 0 खुद ही आपने ऐड करना है और टेयर का बटन दबा देना है। ये आपकी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई। 20.20 शो हो रहे हैं और 300 kg पे ये सेट हो गया हुआ है। अब हम आपको 100 ग्राम से 4000 kg की इसकी सेटिंग बताएंगे। आपने वेट उतार देना है, उसी तरह ही बंद करके ऑन करना है और इसका कोड मिलाना है 3658 टेयर वन टेयर। और उसी तरह ही 20 kg वेट आपने रखना है, कम से कम आपके पास 20 kg वेट होना चाहिए, और टेयर का बटन दबाएं। 2 के साथ 2 0 लगाएंगे, यानी 20.0 20 kg टेयर। फिर हम यहाँ पे 1000 kg कैपेसिटी रखेंगे इसकी, यानी कि 1000.0 टेयर का बटन दबा देंगे। डेसिमल पॉइंट 1 रखना है हमने, 1 लिख के टेयर का बटन दबा देंगे। और 100 ग्राम से रखना है, 100 का 1 ही लिखेंगे और टेयर का बटन दबा देंगे। ये 20.0 डेसिमल पॉइंट है और 20 kg से 1000 kg इसकी कैपेसिटी की सेटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं आपको रेट ज़्यादा लगाने की सेटिंग बताऊँगा। जैसे मैं 2500 लिख रहा हूँ तो 2500 नहीं लिखा जाएगा, फुल आ जाएगा। और इसका कोड है 9 7 8 टेयर 5 टेयर। अब ये देखिए 1 0 डेसिमल शो हो रहा है, 2500 भी लिखा जाएगा, 25000 भी लिखा जाएगा। टोटल प्राइस अब जितनी लिखना चाहें लिखी जाएगी, ये इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आपको रेट ज़्यादा लिख सकें उस